10 लाख की रंगदारी मांगने वाला गुरु चला गिरफ्तार। सिद्धाश्रम के महंत से 10 लाख रंगदारी मांग करने वाले गुरु चेला को सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस उद्भेदन में ने शिक्षक के चरित्र पर एक धब्बा लगा दिया है। दरअसल पुलिस की तफ्तीश में जिस 2 शख्स का चेहरा सामने आया है, वह एक तो कोचिंग चलाने वाला प्राइवेट शिक्षक निकला है और दूसरा उसका छात्र। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के सिद्धाश्रम के महंत दिलीप दास को व्हाट्सएप मैसेज कर 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और इस मामले में रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों रंगदारी मांगने वाले को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों शख्स शिक्षक और छात्र है। बताया जाता है कि इस सिद्धाश्रम के भवन में शिक्षक कोचिंग चलाता था। शिक्षक ने अपने एक छात्र के साथ मिलकर सिद्धाश्रम के महंत को मैसेज किया और धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधियों की पहचान सीताराम भंडारी उर्फ संजय कुमार श्रीवास्तव तथा रोशन कुमार पिता सीताराम पासवान के रूप में की गई है। इस दौरान पुलिस ने रंगदारी मांगने में उपयोग किए गए स्मार्टफोन को भी बरामद किया है। सदर DSP रामकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हालांकि DSP सदर ने यह भी साफ कर दिया है कि यह दोनों कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि किसी के बहकावे में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। पिछले 3 दिनों पहले एक रिंग बांध पे एक मठ है जहाँ के पुजारी द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें मैसेज लिखकर उनसे 10 लाख की फिरौती की मांग की गई थी, अन्यथा उसका अंजाम भुगतने के लिए कहा गया था। उस मैसेज में इत्तेफाक से ज़िले के SP और DSP सदर का भी जिक्र किया गया था और वो एक चुनौती भरा मैसेज दिया गया था उनके द्वारा। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान करके जो ये अंजाम दिए थे उन लोगों को चिन्हित किया गया एवं उन लोगों को अभी पकड़ा गया है। 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, एक रोशन कुमार और एक द बेस्ट इंग्लिश कोचिंग के जो संचालक हैं जो रिंग बांध पे है, उसके जो SK श्रीवास्तव हैं वो दोनों हैं इसमें इन्वॉल्व। उन लोगों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उनको दूसरे लोग, 1-2 लोग और हैं जिनका नाम अभी आ रहा है, जिनके द्वारा उन्हें प्रेरित किया गया ये कार्य को अंजाम देने के लिए। और इन लोगों ने अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बिना ज़्यादा सोचे समझे ऐसा कदम उठाया और पुलिस ने अनुसंधान कर इन लोगों को पकड़ लिया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा रहा है। सब हत्या की विधि की गई है कि 12 बजे जिस तरह विशाल सिंह की हत्या की गई थी ठीक 12 बजे इसको भी ठोकने की बात कही गई थी सर। हाँ, ऐसा कहा जरूर गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई पेशेवर अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होते हैं, इन पे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इनका पूर्व से, लेकिन इनके द्वारा यही समझ में आता है कि अनजाने में ये सब चीज़ें जो बचपने में ऐसा किया गया है और इन्होंने ऐसा लिख कर भेजा विशाल सिंह का, क्योंकि ये उस तरफ नहीं कनौली मेजरगंज में इन लोगों का घर पड़ता है, तो ये उस घटना के बारे में जानते ज़रूर थे और कहीं ना कहीं डराने धमकाने की नीयत से इन्होंने ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। सर, पूर्व महंत की भी हत्या हो चुकी है सर वहाँ पर? जी, पूर्व में भी महंत जी की हत्या हुई थी वहाँ पर 2021 में। इसलिए इस मैसेज को लेकर हम लोग थोड़े सतर्क हो गए थे और वहाँ पर तत्काल प्रभाव से पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अभी जबकि सब कुछ लगभग खुलसा गया है तो मामला सामान्य होने का पूरा संभावना है।